हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीप्ली इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। दोस्तों जैसे कि देख सकते हो, मेरे हाथ में एक पैनल है जो कि 24 इंच का है और ये एलईडी टीवी का पैनल है जो कि बिल्कुल नया पैनल है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके घर का जो टीवी है उस टीवी का पैनल किसी भी कारण के वजह से ख़राब हो चुका है, क्रैक हो चुका है, काम नहीं कर रहा है, तो अगर आपको उस टीवी का पैनल को रिप्लेस कराना है यानी चेंज कराना है तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरे शॉप पे आके उस पैनल को चेंज करवा सकते हो। मेरा जो शॉप का एड्रेस है, लोकेशन है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ पे अपना टीवी लेके आने के बाद आप उसको रिपेयर करके लेके जा सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप बड़ी आते हैं कि जो लोग टेक्नीशियन है अपने शॉप पे रिपेयरिंग करते हैं उन लोगों के बहुत ही दिक्कत होते हैं कि पैनल अच्छे से नहीं मिलता है अपने आसपास, तो उसको बहुत दिक्कत होती है। तो उसको भी मैं कुछ सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले मैं जो लोग मुझे कमेंट कर रहा था ट्रेनिंग के बारे में, उन लोगों को कुछ बता देना चाहूँगा कि जो लोग ट्रेनिंग लेने के लिए आप मुझे मेल कर रहा था, मैसेज कर रहा था, उन लोगों को बता दूं कि अगर आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत हो तो नीचे ऊपर जो आपको नंबर दिख रहा होगा उस नंबर पे कॉल करके आप ट्रेनिंग के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हो। कहाँ पे कितने रुपीज़ फीस है वो सारे चीज़ जानकारी आप उस पर वहाँ पर ले सकते हो। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि पैनल के बारे में कि अगर आपको किसी भी टीवी के अंदर पैनल को इंस्टॉल करना है तो क्या क्या सावधानी आपको रखने होंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जितने भी टीवी होता है उन सारे टीवीज़ के अंदर अलग अलग नंबर का, अलग अलग टाइप का, अलग अलग चीज़ का पैनल लगा रहता है। लेकिन बहुत सारे टीवी में कॉमन जो पैनल है वो भी लगा रहता है, जैसे कि हो गया 215, 236, 196, 195, इस तरह की जो पैनल है वो पैनल मार्केट से आसानी से मिल जाती है। इसलिए आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा कि जो पैनल आसानी से मार्केट से मिल जाती है वो आप आसानी से रिप्लेस कर पाओगे, और जो लोग आसानी से नहीं मिलता है तो आपको उसको मॉडिफाई करके इंस्टॉल करना होगा। जैसे कि मेरे पास आप देख सकते हो एक तो नया पैनल है जो मैंने नीचे रखा हुआ हूँ, और ये देख सकते हो हमारा दो पैनल है। तो अगर आपको पैनल के जो प्राइस है उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। उसके अलावा नीचे मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। और हम बात करेंगे जो लोग कस्टमर है, कस्टमर की बहुत ही चिंता होती है अगर आप उसने 25-30 हज़ार से एक स्मार्ट टीवी ख़रीदा है और अगर उसका पैनल क्रैक हो जाए तो उसको रिपेयरिंग करने में बहुत ही दिक्कत होती है कि लोकल मार्केट में वो अच्छे से नहीं मिलता है। लगभग मैं बात करता हूँ कि गांव में, शहर में तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, किसी भी शॉप पे जाओगे तो आपको रिप्लेस करके दे देगा। लेकिन जो लोग गांव से है उसको अच्छा टेक्नीशियन नहीं मिलता है अपने आसपास, तो उसको 2-3 महीना इंतज़ार करना पड़ता है। तो अगर आपको अपने टीवी का पैनल को रिप्लेस करना है तो अगर मेरे आसपास कोई भी इस वीडियो को देख रहे होंगे वेस्ट बंगाल के अंदर या मेरे जो सिटी है उसके आसपास जो लोग रहते होंगे, अगर उन लोगों के टीवी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे शॉप पे आके वो टीवी रिपेयर करवा सकते हो। तो दोस्तों आप मैं बात करूंगा पैनल के प्राइस के बारे में। ये पैनल के जो प्राइस मैं आपको बताऊँगा ये मैं कस्टमर की रेट बताऊँगा कि मैं एक पैनल को रिप्लेस करने के बाद यानी कि चेंज करने बाद कस्टमर से मैं कितना ज़्यादा पैसा लेता हूँ। तो ये देखिए, ये जो हमारा पैनल है इस पैनल का जो नंबर है आप देख सकते हो, इस पैनल का नंबर है 236, देख सकते हो यहाँ पे 236, और ये है कि 24 इंच का पैनल है। तो मैं कस्टमर के इस पैनल को रिप्लेस करने के बाद मैं लेता हूँ 4,000 से 4,500 रुपया लेता हूँ। तो लगभग आपको पता चल गया होगा कि अगर आपके टीवी है 24 इंच का तो 3,500 से 4,000 आपको देना पड़ेगा पैनल को रिप्लेस करने में। तो जो लोग सिटी में है यानी कि शहर में है, कोई भी बड़े सिटी के आसपास है, उन लोगों को शायद थोड़ा सा कम लगेगा क्योंकि उसका जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट का जो चार्जेस है बहुत ही कम लगेगा। और जो लोग गांव में रहता है उसका, अगर वहां पे आप रहते हो अपना टीवी वहां पे रिपेयरिंग कराता हो तो वहां पे ज़्यादा पैसा लगेगा क्योंकि वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि पैनल अगर आप एक पीस लेने जाओगे तो नहीं मिलेगा, और उसका जो सेफ्टी भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए इसका डिलीवरी चार्ज भी बहुत लगता है। तो इसलिए अगर आप किसी भी गांव पे आप किसी भी पैनल को रिप्लेस कर रहे हो यानी कि चेंज करा रहे हो अपने टीवी का, तो वहां पे थोड़ा सा पैसा आपको ज़्यादा देना ही पड़ेगा क्योंकि इसको लेके आने के बाद
बहुत ही खर्चा हो जाता है। और अगर कोई भी बड़े सिटी जैसे कि कोलकाता, दिल्ली, मुंबई इस तरह के आसपास कोई भी यानी कि 50-60 किलोमीटर से अंदर दायरे में है तो उनको शायद थोड़ा सा कम पैसा लगेगा पैनल को रिप्लेस कराने में। तो आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर 32 इंच, 24 इंच या 22 इंच या 23 इंच पैनल को रिप्लेस करवाने के लिए आपको कितना ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा। तो दोस्तों आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि आपके टीवी का, चाहे LCD हो, LED हो, स्मार्ट टीवी हो, तो उस टीवी का पैनल ख़राब हो चुका है या वो क्रैक हो चुका है, तो अगर उसको रिप्लेस कराना है, करवाना है, तो आपको कितना ज़्यादा पैसा खर्च करने होंगे। तो अगर आप मेरे आसपास रहते हो, थैंक यू गाइस इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। उसके अलावा अगर आप कुछ मेरे से पर्सनली जानकारी लेना चाहते हो तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो LCD LED TV का, तो ऊपर जो नंबर दिख रहा होगा फिर से मैं दे दूंगा एक बार, उस नंबर पे कॉल करके आप ट्रेनिंग के बारे में जानकारी ले सकते हो। तो हमारी जो नेक्स्ट ट्रेनिंग स्टार्ट होगी वो जनवरी से होगी, जो कि कोलकाता में है। तो अभी आप नंबर पे कॉल करके ट्रेनिंग के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। थैंक यू गाइस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।